तो दोस्तों आज हम हमारे टूटे हुए बेड को वापस रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये यहाँ से नीचे की ओर से टूट चुका है। तो दोस्तों इसको रिपेयर करने के लिए हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एरोलाइट, कुछ कीलें इसको ठोकने के लिए, कुछ छोटे मोटे सामान, सफ़ेद वाइट वाला मजबूत धागा। तो चलिए दोस्तों अब हम इस सब की मदद से इसको ठीक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस दोनों एरोलाइट की गोल को ग्लू को आपस में मिक्स कर लेते हैं। हम दोनों डिब्बों में से इसकी बराबर बराबर मात्रा निकालते हैं और इसको मिक्स करते हैं। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करने के बाद अब दोस्तों ये जहाँ से टूटा हुआ है उस जगह पे इसको लगा देंगे और फिर इसके ऊपर के वो धागे को अच्छे से बांध के उसके ऊपर फिर वापस दोबारा ग्लू लगा देंगे। तो दोस्तों फिर हम सबसे पहले फर्स्ट बार इस पर एक बार ग्लू तो लगा देते हैं। हमने इस पर एक बार ग्लू लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर जहाँ से भी वो दरार आ रखी थी उस पर वो बारीक वाली कुछ कीले लगाएंगे, उस पर कीले ढोकेंगे। तो दोस्तों जहाँ जहाँ तो ये ज़्यादा क्रेक आ रखे, इसमें दरार आ रखी, वहाँ पे हम कुछ छोटे बारीक वाली कीले को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे कीले लगाएंगे। अब दोस्तों कीले लगाने के बाद हम अब इसके ऊपर धागा वो बांधेंगे जो हमने पहले ही रखा था। तो इसके चारों तरफ हम अच्छे से ये पूरा का पूरा धागा इस पे लपेट देंगे। तो दोस्तों हमने इस धागे को अच्छे से इसके ऊपर चारों तरफ अच्छे से इसको मजबूती से लगा दिया है। लगाने के बाद इसको अब इसे चिपका दिया। अब दोस्तों धागा चिपका दिया है। अब इस धागे पे वो ग्लू लगाएंगे। तो दोस्तों ग्लू को काफ़ी देर हो गई थी, मिक्स करके छोड़ दिया था, तो वो टाइट हो चुका है और थोड़ा उसको लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो चलिए दोस्तों अब इसको अच्छे से इसके पूरे बेड पे अच्छे से लगा देते हैं। दोस्तों इसको लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसे ही इसको रख के छोड़ रखा था, तो ये वापस जमने लग गया। दोस्तों जहाँ जहाँ हमने धागा बांधे तब उसके ऊपर इस धागे को इस ग्लू को लगा देते हैं। दोस्तों इसको लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही, लेकिन हमने आराम धीरे धीरे इसके नीचे की ओर तो लगा दिया, अब थोड़ा सा ऊपर की ओर बचा है। तो दोस्तों हमने पूरे बेड पे इस ग्लू को लगा दिया है। अब हम दोबारा चेक करें कि कहीं कुछ
रह तो नहीं गए, वहाँ पे भी हम इसको वापस लगाएंगे बचे हुए को। तो अब इसके पीछे की ओर चेक करते हैं, पीछे की ओर इस बचे हुए ग्लू को लगा देते हैं। दोस्तों फाइनली हमने इसके इस पे अच्छे से पूरे ग्लू को अच्छे से लगा दिया। तो दोस्तों अब हम इसको आज पूरे दिन धूप में सुखाएंगे और इससे आज कुछ नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं घुमा। सब सही है।